أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूं आपका मेज़बान सईद फैसल, इस्तकबाल करता हूं आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में. नाज़रीन, इस्लामी दुनिया को हर दौर में बेशतर चैलेंजेस का सामना रहा है. चाहे हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज की बात करें या फिर फ्यूचर एंटिसिपेशन की, हर दौर में उम्मत के सामने मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस रहे हैं. इन चैलेंजेस की नौवियत भी मुख्तलिफ रही है. चाहे हम बात करें पॉलिटिकल चैलेंजेस की, सोशल इकोनॉमिक मिलिट्री चैलेंजेस की, या फिर बात करें इंटेलेक्चुअल चैलेंज की. जी हाँ, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. इन्हीं चैलेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस आजकल के इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, या फियर्सली जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, इस एज में इंटेलेक्चुअल इशूज़ मोर देन एवर हमारे लिए चैलेंजिंग बन चुके हैं. और इन्हीं इज़्म्स में, बहुत सारे इज़्म्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे इर्द गिर्द फ्लोट हो रहे हैं, इन्हीं इज़्म्स में एक इज़्म ऐसा है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में परमीट हो रहा है, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अडॉप्ट भी करने लगे हैं और बहुत सारे लोग इसकी तरफ रागिब भी होने लगे हैं. जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं एथीज़म की. इल्हाद कहिए, दहरियत कहिए, या फिर गॉडलेसनेस. अगरचे इस्लामी दुनिया के लिए एथीज़म कोई नया चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं 8th सेंचुरी में इमाम अबू हनीफा के डिबेट्स दहरियों के साथ, 11th सेंचुरी में इमाम गजाली के डिबेट्स, या 13th सेंचुरी में इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की डिबेट्स. ताहम विद टाइम जो आर्ग्यूमेंट ऑफ एथीज़म है वो इवॉल्व हो चुका है, खुसूसन पोस्ट रेनेसेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो उसका इवोल्यूशन भी डिफरेंट हो चुका है, और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी नई नई शक्लों और सूरतों में आ चुके हैं. इसी सिलसिले में इस्लामिक अवेकनिंग एंड अवेयरनेस ग्रुप ने, इन कोलैबोरेशन विद सूद हरमैन, एक क्वेश्चंस की फहरिस्त तरतीब की है, जिसको कि हम डिस्कस करना चाहेंगे अपने मोहतरम और मुकरम मेहमान डॉक्टर मंजूर अहमद मीर साहब से, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है, जिनकी इल्मी और दीनी खिदमात आप सब के सामने है. डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. इस्तकबाल है आपका. शुक्रिया डॉक्टर साहब. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. आप किस कदर अहमियत देखते हैं ऐसे इश्यूज़ को उठाना, ऐसे इश्यूज़ पे बात करना, स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने कश्मीर की? जब हम देखते हैं कि जो हम जो शहादतैन हैं, जिस कलमे से हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, वो कलमा ही है, उसका पहला जो पार्ट है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर है दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो पहला हिस्सा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें हम देखते हैं इसके दो अरकान हैं. पहले में हम नेगेट करते हैं जो भी अल्लाह ताला के सिवा जो भी जिनकी भी इबादत की जाती है, और फिर उसके बाद है इस्बात, यानी अफर्मेशन इल्लल्लाह, हम अल्लाह ताला की इबादत की का इस्बात करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है. जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मति रसूला अन यअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल को मबऊस किया. वो ये दावत देते थे अपने कौम को कि अल्लाह की इबादत कीजिए और तागूत से इज्तनाब कीजिए. तो तब तक एक इंसान पूरा मुवाहिद नहीं बन सकता, पूरा मुसलमान नहीं बन सकता, पूरा अपने क्रिएटर के सामने सरेंडर करने वाला नहीं बन सकता, जब तक वो यानी अल्लाह ताला की रुबूबियत के इस बात के साथ साथ जो भी तागूत है अल्लाह ताला के सिवा बाकी उनका उनकी नफ़ी ना करे. तो अल्लाह ताला का पूरा कंप्लीट बंदा बनने के लिए एक इंसान को ज़रूरी वो चीज़ें भी जाननी हैं जो इसके यानी बरक्स होती है, जो इसको कंट्रडिक्ट करती है. तो हम देखते हैं आज के दौर में, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि एथीज़म के बारे में, ये फ़िक्र जो है ये हमारे नौजवान में फैल रही है. चूँकि हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है आज, अगर यूएस में कोई चीज़ होती है या यूके में कोई चीज़ होती है, वो इंटरनेट के ज़रिए से फ़ौरन हमारे पास पहुँचती है. तो हमारे नौजवान जो है वो भी अब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया, तो उसके ज़रिए से वो इन फ़िक्रों से मुतासर हो रहे हैं, जिससे उनके अकीदे पर भी असर पड़ रहा है. तो इसलिए मैं देखता हूँ कि ये बहुत ही अहम है कि इन टॉपिक्स को भी छेड़ा जाए, ताकि हमें अवेयरनेस हासिल हो जाए और
हमारा अकीदा जो है वो मज़बूत हो जाए, उसमें कोई इज़्तिराब पैदा ना हो। जी डॉक्टर साहब, हम शुरू करना चाहेंगे बेसिक डेफिनेशन से, क्योंकि हमारे पास टर्म्स और भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्नोस्टिसिज्म की टर्म है, समवन हु हावर्स बिटवीन बिलीफ एंड डिसबिलीफ, या हमारे पास मिज़ोथीस्ट भी है, कोई सिरे से ही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से नफरत करता है, तो ऐसी भी चीज़ें हमारे पास है, या दहरियत है, इलाहाद है। कैसे आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, अगर हम सिंपल और एट द सेम टाइम कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन की बात करें? जो डेफिनेशंस का मामला होता है, जब किसी भी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो डेफिनेशंस बहुत ही अहम हैं, क्योंकि अब अगर हम डेफिनेशंस पर ही एग्री ना करें तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो ये अच्छा सवाल है कि एथीज़म को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। असल में एक मसला है, एक तो है जो आज एथीस्ट है वो कहते हैं कि हम एथीस्ट है, लेकिन वो बिहेव करते हैं ऐसे जैसे कि वो एग्नोस्टिक्स हो। ठीक है, वो क्यों ऐसा करते हैं, वो फिर हम आगे जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं। कि फिर मसला आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि दलील किसको देनी है, एविडेंस किसको प्रोड्यूस करनी है। तो वो कहते हैं हम एथीस्ट हैं, लेकिन बिहेव करते हैं एज एग्नोस्टिक्स। तो एथीज़म को समझने के लिए पहले हम देखते हैं एग्नोस्टिक्स की यानी क्या डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास है वेबस्टर जो है डिक्शनरी, उसमें लिखा है ए पर्सन हु होल्ड्स द व्यू दैट एनी अल्टीमेट रियलिटी इज़ अननोन। अल्टीमेट रियलिटी मतलब गॉड, वो अननोन है, एंड प्रोबेबली अननोवेबल, यानी ये दो चीज़ें हैं, या अननोन है या अननोवेबल है। तो जो ये बोलते हैं ना अननोन है, तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट एग्नोस्टिक्स। जो बोलते हैं क्या अननोवेबल है, नहीं जान भी नहीं सकते, उनको बोलते हैं हार्ड एग्नोस्टिक्स। तो ये दो हैं। अब जो एथीस्ट्स है ना, अब हमारे पास तीन टर्म्स है जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती है। एक तो है एथीज़म एथीस्ट, दूसरा है थीस्ट, और तीसरा है एग्नोस्टिक। ठीक है, यही, और आपने दो और भी टर्म्स कही, हाँ वो भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इन तीन के बारे में हम बात करेंगे। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है एक सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं ओंटोलॉजी, और दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। ओंटोलॉजी डील करता है किसके साथ, यानी एग्जिस्टेंस के साथ, रियलिटी के साथ। तो जो एथीज़म और थीज़म है, चाहे एथीस्ट हो या थीस्ट हो, उनका ताल्लुक है ओंटोलॉजी के साथ। एथीस्ट कहता है कि कोई गॉड नहीं है, ठीक है, थीस्ट कहता है नहीं है, ठीक है, इनका ताल्लुक किसके साथ है, ओंटोलॉजी के साथ। अब एपिस्टेमोलॉजी जो है ये नॉलेज है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो जो एग्नोस्टिक होता है उसका ताल्लुक है एपिस्टेमोलॉजी के साथ। ठीक है, तो जो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्यों, जो एथीज़म और थीज़म है ये ऑन्टोलॉजिकल पोजिशंस है, कि ये आर्गुमेंट देते हैं किस बारे में, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में। तो यही है, जब हम कहेंगे थीज़म, थीज़म इज़ नेगेशन ऑफ एथीज़म, और जब हम कहेंगे एथीज़म तो ये नेगेशन है किसका, थीज़म का। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही मसला हो जाता है, अगर हम ये नहीं समझेंगे फिर कोई कहेगा मैं एथीस्ट हूँ, एथीस्ट का मतलब है कि वो फिर समझता है अपने आप को एग्नोस्टिक। हालांकि जो रिचर्ड डॉकिंस है वो भी बिहेव करता है कैसे, जब वो एज एग्नोस्टिक। ठीक है, तो जब हम कहेंगे एथीस्ट क्या है, वो हम कहेंगे इट इज़ अ नेगेशन ऑफ थीज़म। ठीक है, फिर हम और भी एक चीज़ अहम है, वो है कि एथीस्ट की दो किस्में करते हैं कुछ जो है थिंकर्स, वो कहते हैं एक तो होता है ग्लोबल एथीज़म और दूसरा होता है लोकल एथीज़म। ये भी समझना ज़रूरी है, ये हमें आगे भी आएगा। और एक मसला है, वो है एथीज़म में जो ए है एथीज़म, इसके दो मीनिंग्स है। अगर हम डिक्शनरीज देखेंगे तो इसकी दो मीनिंग्स है, एक तो है ए का मतलब नॉट, तो इस अगर हम कहेंगे फिर एथीज़म तो मतलब क्या है, नॉट थीस्ट। ठीक है, और दूसरा मतलब है विदाउट, ए का मतलब है क्या, विदाउट भी, तो मतलब क्या है, विदाउट थीज़म। अगर हम ए को कहेंगे नॉट, तो नॉट थीस्ट मतलब ये अल्लाह का इनकार करता है। अगर हम कहेंगे विदाउट मतलब है, यानी इसमें क्या है ना, कि मतलब इसमें वो एग्नोस्टिक का पहलू आता है कि मुझे पता नहीं है, है या नहीं है मैं नहीं कह सकता। तो ये ज़रूरी जानना है कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो किस माना में, किस मीनिंग में इसको ले रहा है। ठीक है, तो ये इस बारे में डॉक्टर साहब, दहरियत और इलाहाद इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्या ये लगभग यही पे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एथीज़म बोल सकते हैं? किसको, दहरियत और इलाहाद को? ये जो इलाहाद है ना, असल में अगर हम अरबिक टर्म देखेंगे इलाहाद,
तो इल्हाद निकला है असल में लहद से, जैसे आप भी जानते होंगे इसके बारे में। लहद जो है ना, जब हम किसी ग्रेव में दफन करते हैं किसको, तो नीचे जाके फिर हम साइड में एक छोटा सा यानी उसको खोदते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो ग्रेव जो होती है ना वो स्ट्रेट होती है, तो वो हम साइड में एक पॉकेट जैसा बनाते हैं, उसमें वो अलग जाता है, उस स्ट्रेट लाइन से भटक जाता है अलग। तो इसी तरह से इल्हाद कहते हैं हम जो भी जो इस जो फितरत का रास्ता है उससे वो भाग जाता है, उससे वो हटता है। तो इल्हाद के मुख्तलिफ तरीके हैं। इल्हाद में कोई कहेगा कि क्रिएटर नहीं है तो वो भी उसमें आएगा, कोई कहेगा क्रिएटर है लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स है, सिफात है, उनका इनकार करेगा, उनकी तावील करेगा, वो भी मुलहिद है इस शक्ल में। या कोई कुरान की किसी आयत को जुटलाएगा, उसको भी मुलहिद कह सकते हैं। तो अरबिक में हम देखेंगे या इस्लामिकली जो हम देखेंगे तो इल्हाद एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, इसके तहत एथीज़म भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया अभी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की आपने, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एथीस्ट आता है और उनसे आके डिबेट शुरू करता है एंड ही आस्क्स मी अ क्वेश्चन, व्हाट्स द प्रूफ दैट देयर इज़ गॉड। कैन नॉट आई काउंटर हिम कि व्हाट्स द प्रूफ दैट देयर इज़ नो गॉड। यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओनस है, जो जिम्मेदारी है प्रूफ देने की, क्या वो हमेशा एक थीस्ट पे ही ले करती है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम पीछे भी हमने बात की इस बारे में कि जब हम डेफिनेशन समझेंगे एथीस्ट और थीस्ट की और फिर एग्नोस्टिक की, तो उससे हमें ये क्वेश्चन समझने, इस क्वेश्चन का आंसर समझने में मदद मिलती है। तो मसला ये है कि हम पहले देखेंगे दो तरह की क्लेम्स होती है, एक तो होती है एम्पेरिकल क्लेम्स और दूसरी होती है मेटाफिजिकल क्लेम्स। तो एम्पेरिकल क्लेम्स जो जैसे हम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो हम साइंटिफिक क्लेम्स, जैसे कोई कहेगा यानी मिसाल के तौर पर हम में से कोई लड़का है, हामिद है उसका नाम, मैं अक्सर अरबिक में हामिद की ही एग्जांपल देता हूँ, हाँ, तो हामिद है, एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो कह रहा है, उसको कोई कह रहा है कि हामिद आज आया है, वो कहेगा आया है, ठीक है, उसने एक क्लेम किया, पॉजिटिव क्लेम, हामिद है क्लास में। तो अगर ये मसला है एम्पेरिकल मसला, तो उसको प्रूव करना है ना पहले, हाँ हामिद, उसको दिखाना है हाँ यहाँ क्लास में है, ठीक है। अब दूसरा, अब अगर वो नेगेट करेगा, वो कहेगा नहीं है वो क्लास में, तो उसको वो भी दिखाना है कि वो क्लास में नहीं है, तो ये नेगेटिव क्लेम है। तो जो एम्पेरिकल क्लेम्स होती है उसमें चाहे पॉजिटिव क्लेम कोई करे या नेगेटिव क्लेम करे, तो उसमें दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तीसरा हो गया वो जो पॉजिटिव क्लेम करेगा उसको हम कहेंगे इस माना में एथीस्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव क्लेम करेगा वो एथीस्ट है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ थीस्ट को भी तो प्रूफ देना है और एथीस्ट को भी। अब तीसरा है वो एग्नोस्टिक है, वो कहता है ना मुझे पता है कि आया है वो या ना मुझे पता है कि नहीं आया है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक को हम कहेंगे कि इसको तो प्रूफ नहीं देना है क्योंकि ये शक में है, ठीक है। अब है हमारे पास दूसरी जो है क्लेम्स, मेटाफिजिकल क्लेम्स। मेटाफिजिकल क्लेम्स में क्या मसला है, वो हम डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकते जैसे हम एम्पिरिकल क्लेम्स को डेमोंस्ट्रेट करते हैं। तो मसला ये है, हाँ ठीक है, तो मेटाफिजिकल गॉड से जो ताल्लुक़ रखता है, जो हम डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकते। अब एथिस्ट का मसला क्या है, पहले हम वो जानेंगे। मसला ये है, वो जो मेटाफिजिकल क्लेम्स हैं वो उनको समझना चाहते हैं एम्पिरिकली, वो पॉसिबल नहीं है। जब कॉमन ग्राउंड ही ख़त्म हो गया, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे दरमियान कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होगा तो फिर हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एथीस्ट का मसला यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एम्पिरिकली डेमोंस्ट्रेट करो इसको, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो मेटाफिजिकल यानी क्लेम्स हैं। तो वो ये समझना ज़रूरी है पहले कि एम्पिरिकल क्लेम्स और मेटाफिजिकल क्लेम्स। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं हम, तो जो थीस्ट है, जो थीस्ट है पहले, वो अगर कहता है कि गॉड है तो उसको भी उसके लिए आर्गुमेंट्स देने हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ से है एथीस्ट के हमने अभी दो टाइप्स बोले थे पहले, ग्लोबल एथीस्ट और लोकल एथीस्ट। लोकल एथीस्ट होता है कि लोकली किसी इलाके में कोई मज़हब है, कोई कहेगा ये बातिल है, मैं इसका इनकार करता हूँ, जिन खुदाओं की इबादत करते हैं वो बातिल है। तो लोकल एथीस्ट जो है, लोकल एथीस्ट पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। क्यों? पहले जो लोकल थीज़म होगा वहाँ, वो अपने गॉड्स का कॉन्सेप्ट पेश करेंगे, फिर जो लोकल एथीस्ट है वो उसका इनकार करता है, ठीक है। अब जो ग्लोबल एथीस्ट है, ये डिफरेंट है, ये कहता है कि जितने भी यानी जिनकी भी इबादत की जाती है, जो भी क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं मानता। और ये दावा भी करता है कई बार कि हाँ मेरे पास ऐसे एविडेंसेस है
कि जिनकी बुनियाद पर मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कोई यानी क्रिएटर नहीं है, तो जो ग्लोबल एथिस्ट है उसको भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्लेम है ना, तो इसको भी दलील चाहिए, इसको भी एविडेंस चाहिए, ठीक है। अब वो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक का मसला, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रल क्लेम्स। वो कहता है कि ना मुझे पता है ना मुझे पता है कि नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि इसको यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर नहीं है। लेकिन अगर वो दलाइल देखने के बावजूद फिर भी वो कहेगा नहीं एग्नोस्टिक जो है पोजीशन है यही ठीक है, फिर उस पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होता है जो जो एथीस्ट क्लेम करते हैं कि नहीं हम पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, एज एग्नोस्टिक्स बिहेव करते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि इन पर भी जो खासतौर पर जो ग्लोबल एथीस्ट हैं उनको उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि यानी हम क्रिएटर का इनकार करते हैं, ठीक है जी। मैं पूरा मतलब कि कई दफ़ा जो थीस्ट है वो एपोलॉजिस्टिक बन जाते हैं ज़्यादा, तो वो ज़्यादा है अपने सिरे हालांकि ये नहीं है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस आगे उन पे हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आम यहाँ पे और एक तखयल पैदा हो चुका है, अगर हम एथीस्ट इन्फ्लुएंसर माइंडसेट की बात करें, जो एथीस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग उनको देखेंगे तो उनने अपने दिमाग में एक नोशन बनाई है कि जो एथीज़म है इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल एंड इट्स ऑल अबाउट साइंस, ये तीन चीज़ें उनके दिमाग में बैठी है। जबकि हम अगर एथीज़म को डाइसेक्ट करके देखेंगे हम तो हमें उसकी एनाटॉमी चेक करके देखेंगे तो हमें मिलते हैं यहाँ पे रफली, मैं आपको तीन शख्सों के एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स ऐसा है जिसके पास वाकई सिंसियर सर्च ऑफ ट्रूथ करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, उसको प्रूफ नहीं मिला है, ही इज़ इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जिसे कुरान भी कहता है वजादिल हम बिल्लती ही आसन। दूसरा शख्स ऐसा है ही हैज़ फेस्ड सम कैटास्ट्रोफिक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ और कोई प्रॉब्लम उसने सफरिंग अपनी लाइफ में उसने उसको है या कोई अल्लाह इज़ समहाउ टेस्टिंग हिम, तो उस होपलेसनेस में वो अल्लाह को डिनाई करते हैं, ये दूसरा केस है। थर्ड केस इज अब दोज पीपल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नफ्स परस्त होते हैं, जैसे कि कुरान में भी कहा गया है सूरह यासिया में अफारैत मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, यानी पैराडॉक्सिकली तो वो बोलते हैं खुदा नहीं है हालांकि वो खुद अपने ही अंदर के नफ्स की इबादत कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं दे वांट टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस एंड डिसिप्लिन ऑफ गॉड एंड रिलीजन। तो ये तीन कैटेगरीज हमारे पास हैं रफली अगर हम देखें। तो इस सिलसिले में क्या ये एक नोशन आम एथीस्टिक इन्फ्लुएंस्ड लोगों में या जो लोग मरगूब होते हैं एथीज़म से वो समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल है, तो इस तनाजुर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एथीज़म रैशनल इंटेलेक्चुअल है? नहीं, ये बिल्कुल रैशनल स्टांस नहीं है जी। क्योंकि जो हम देखते हैं ना बचपन से या जब से क्रिएशन हुई है इंसान की, जब से इंसान है इस दुनिया में, या हम भी देखेंगे बचपन से हम जब हम सोच समझ के काबिल हुए तो हमने हमेशा देखा यानी जिसको हम बोलते हैं सबबिया यानी असबाब मुसब्बबात कॉज एंड इफ़ेक्ट, हमने कोई चीज़ ऐसे नहीं देखी कि हाँ ये यहाँ पर है खुद ही आया होगा। तो रैशनल स्टांस ये है जो हम हमेशा देखते आए हैं, ठीक है। साइंस भी इसी पर हमेशा काम करता है ऐसे इसी तरीके पर, तो ये बिल्कुल इस रैशनल स्टांस के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये कैसे रैशनल हो सकता है? अच्छा देखिए, एक ये है एथीस्ट लॉरेंस क्रॉस, उसने लिखी थी एक बुक ए यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। अब ये खुश हो गए एथीस्ट, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग तो सबब की ज़रूरत नहीं है, तो हमने अब रैशनली, इनको लगा कि हमने अब रैशनली क्या साबित किया कि नहीं है यानी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं ना वो क्या लिखता है फिर उसमें, वो लिखता है वन ऑफ द थिंग्स अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट ओनली कैन नथिंग बिकम समथिंग, नथिंग ऑलवेज बिकम समथिंग। तो उसने कहा कि नथिंग हमेशा समथिंग बनता है। लेकिन और एक एथिस्ट है, उसका नाम है डेविड एल्बर्ट, उसने इसको रिफ्यूट किया, वो है पीएचडी थ्योरेटिकल फिजिक्स में। उसने कहा जो ये लॉरेंस क्रॉस बोल रहा है ना नथिंग, ये असल में समथिंग है, ये नथिंग नहीं है, ये असल में क्या, इस नथिंग की बात हम नहीं करते, वो समथिंग है, क्योंकि वो एलिमेंट्री फिजिकल स्टफ जो होता है उसकी अरेंजमेंट्स चेंज होती है, बिल्कुल उसी से वो इलेक्ट्रॉन्स वजूद में आते हैं कुछ। तो जो इनकी एक बुक थी, अब इनमें एक होप पैदा हो गई थी कि हाँ अब हम भी रैशनली देखेंगे कि हाँ सबब के बगैर ही कोई चीज़ वजूद में आती है, तो वो भी फेल हो गया, क्योंकि इनका नथिंग भी असल में क्या समथिंग है, ठीक है। तो ये रैशनल स्टांस नहीं है। अगर किसी इंसान को मुसीबत आती है या कोई ट्रेजिडी आती है लाइफ में, तो वो ऐसा क्यों करेगा कि वो क्रिएटर का ही इनकार करेगा, क्योंकि एक इंसान का जहन महदूद है, वो सारी यानी हिकमतों को नहीं समझ सकता, ठीक है। जैसे हम वो इसको देखते हैं स्टीफन हॉकिंस को, उसको भी परेशानी हो गई, उसको भी प्रॉब्लम्स हो गई ज़िंदगी में, तो फिर
उसने सब यानी सब कुछ यानी इनकार ही कर दिया उसका क्रिएटर का, तो ये रैशनल मुझे लगता है बिल्कुल कि रैशनल स्टांस। मेरा मतलब है कि जी यहाँ पे हमें मिलती है ना एक तो इमोशनल स्टांस बिल्कुल, दूसरा है नफ्सपरस्त। तो ऐसे लोग भी हैं कि ये हमें नोशन नहीं बनानी है दिमाग में जो हमारे नौजवान हैं कि एथिज्म जो है कि वो शायद कोई रैशनल स्टांस है इंटेलेक्चुअल, क्योंकि जब वो देखते हैं जब वो देखते हैं ना अक्सर मिसाल के तौर पर किसी ने फिजिक्स में PhD किया है, कोई फलाना है, बायोलॉजिस्ट है, कुछ है, तो वो मरऊब हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ज़रूरी ये इतने इंटेलेक्चुअल्स है तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो इसके पीछे दलाइल होंगे या कुछ होंगे, तो ऐसा नहीं है। जब हम इसको एनालाइज करते हैं जो जो आज थीस्ट जो थीस्ट कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं साइंटिस्ट, तो वो भी उनको अच्छी तरीके से फिर खबर लेते हैं उनकी, तो पढ़ने की ज़रूरत है एक इंसान को, तो हाँ बिल्कुल। और ये फैशन बन गया ना, हम अगर हमें भी कोई कहेगा कॉलेज में या कहीं पर कोई स्टूडेंट कहेगा मैं एथिस्ट हूँ, तो उसको देखते हैं सब कुछ ये तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ज़बरदस्त होगा, तो इसने अल्लाह का इनकार किया है, तो फैशन भी बन गया है, तो वो मसला बिल्कुल जी। हाँ इसके बारे में एक आया है एक वाक़ा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उन्हें ज़िक्र किया है कि पिछले ज़माने में क्या हुआ था, एक बार जो है ना आब जमज़म का कुआँ, उसमें एक आदमी ने पेशाब किया उसमें, क्यों, फिर उसको गिरफ्तार करके काजी के पास लाया गया, तो काजी ने उससे पूछा क्या मसला है तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा पॉपुलर होने के लिए, ताकि सारे लोग कहे कि ये वो शख्स है जिसने आब जमज़म के कुएँ में क्या किया। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी हम छोटे किसी लड़के को देखते हैं वो फेसबुक के पे जाएगा और बड़े किसी आलम दीन का इन्हें को रिफ्यूट करेगा, क्यों, इन्हें पॉपुलर होने के लिए, जब उसका जिक्र आएगा तो इस अहमक का जिक्र भी आएगा कि हाँ इसने उस पर रद्द किया था, तो ये भी होता है कभी, तो बिल्कुल ये रैशनल स्टांस नहीं है जी। डॉक्टर साहब अक्सर जो अगर हम कहेंगे चेस्ट थम्पिंग एथिस्ट या कॉन्फिडेंस जिस पे एथिस्ट लेते हैं वो साइंस है, मतलब अगर हम आजकल के दौर की एथिज्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलराइजर्स और मैसेंजर्स ऑफ एथिज्म आर साइंटिस्ट्स, चाहे हम रिचर्ड डॉकिंस की बात करें, लॉरेंस क्रॉस की बात करें, डैनियल डेनेट की बात करें, या फिर हिचिन्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट्स जो हमारे यहाँ एथिस्ट्स के प्रोपोनेंट्स हैं। लेकिन मैं क्यूरियस और हैरान होता हूँ कि जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ गॉड इज़ नॉट इवन क्वेश्चन ऑफ साइंस, जब ये क्वेश्चन ऑफ साइंस है ही नहीं तो इट्स नॉट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ साइंस टू स्पीक अबाउट गॉड, सो हाउ कैन समवन डिनाई और एक्सेप्ट गॉड बिकॉज ऑफ साइंस। मैं आपको दो इंसिडेंसेस देना चाहूँगा, हालांकि वो सेक्युलर एकेडमिक्स है, उनसे मैं दो इंसिडेंस आपको दूंगा। एक है मेरी एक शार्लॉट, शी इज़ प्रोफेसर ऑफ फिलासफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शी सेड इन वन ऑफ हर लेक्चर्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रिचर्ड डॉकिंस हैज़ इन हिज माइंड व्हेन ही सेज that he denies God on the basis of science. Question of God is not question of science, it's a question of metaphysics. Ek. Dusra hai, again from the Oxford University mathematician, he has written a book named Has Science Buried God? John Lennox. To wo usme kehta hai ki these atheists, for example, Richard Dawkins, Daniel Dennett, they use science to deny what is metaphysics. Jaise ki aapne pehle bhi baat ki, empirical case ki hai, metaphysical case ki. तो गॉड इज़ नॉट समथिंग दैट वी विल टेक टू लेबोरेटरी और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कि वहाँ पे उसको हम समझें। तो इस सिलसिले में आपको नहीं लगता कि दीज एथिस्ट्स आर एक्सटेंडिंग साइंस बियॉन्ड इट्स स्किन, जो जिसका कि वहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ऑपरेशनल एरिया ही नहीं है साइंस का, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, जैसे आपने कहा कि जो साइंस है ये लिमिटेड टू ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एम्पिरिकल है बिल्कुल, तो इसकी डोमेन है ही नहीं वो मेटाफिज़िक्स, तो कैसे उस बारे में बात करेगा कि जो इसका डोमेन ही नहीं है, ठीक है, तो इस बिल्कुल सही है। और दूसरा मसला इसके साथ ये है कि अगर हम कहेंगे भी कि यानी इस बारे में, क्योंकि ये मिसाल के तौर पर साइंस नहीं बात करेगा पर्सनल के बारे में, यानी जो एक होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, यानी मिसाल के तौर पर आप भी पानी पियेंगे मैं भी पीऊँगा, मुझे कैसे फील हुआ ये पानी पी के, इसके बारे में साइंस नहीं करेगा बात, क्योंकि सब्जेक्टिव है, मुझे कैसे एक्सपीरियंस हुआ है, हाँ बिल्कुल, पेन कैसे फील होती है, बिल्कुल अलग अलग इंसानों का अलग अलग है, तो ये बिल्कुल ये इसके डोमेन से बिल्कुल अलग है, तो इसके बारे में नहीं बात कर सकता है, तो बिल्कुल सही है आपकी बात जी। मतलब अब इतना सारा आर्ग्यूमेंट हो रहा है हमारे साथ, तो क्या आपको लगता है कि वो फिलोसफिकली इनकोहेरेंट बन जाता है जबकि हम देखते हैं
ये गॉड को डिनाई करते हैं बिकॉज ऑफ साइंस, फिर कैसे कोई शख्स साइंस से गॉड को डिनाई कर सकता है? बिल्कुल इनकोहेरेंट है, जब साइंस का डोमेन ही नहीं है जी तो फिर नहीं कर सकते। और हमें यही जानना चाहिए कि इस्लामिक वर्ल्ड को कभी भी साइंस के साथ हेटर नहीं था, लेकिन साइंस की एक करेक्ट जगह, उसकी उसको जस्टिफाइबल पोजिशन हम दे रहे हैं, उसका जो काम है, उसका जो रोल है वो हमें देखना है। रोल ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, और मेटाफिजिक्स का रोल अलग है, हमें इन दोनों को सेपरेट करके। एक तो होता है हाउ, यानी साइंस हाउ के बारे में बात करेगा, वाई वो साइंस नहीं बता सकता जी। हमने भी मतलब जब हमने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी अपनी स्टार्ट में, तो हमारी बायोलॉजी की 11th टेक्स्ट बुक, वहाँ पे भी पहले लिखा है कि द क्वेश्चन वाई आर वी हियर इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ साइंस, इट्स द क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी। तो करेक्ट साइंस की ज़रूरत मतलब हमें समझनी चाहिए कि साइंस का जो रोल है वो अपने डोमेन में रहे और जो मेटाफिजिक्स है वो अपने डोमेन में रहे। बिल्कुल, जैसे इसके बारे में एक बुक लिखी है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, दर उत्तआरुज़ुल अक्ल व नक़्ल, यानी जो कुछ लोग कहते हैं कि अक्ल और नकल के, नकल मतलब कुरान और सुन्नत, अल्लाह ताला की वाहे रेवलेशन, तो रेवलेशन और रीज़न में कोई तआरुज़ नहीं है। उसने शेखुल इस्लाम ने उसमें साबित किया है कि कोई तआरुज़ नहीं है। मसला क्या होता है कि कभी कभी यानी जो रेवलेशन होगी या तो वो गलत तरीके से मनसूब हुई होगी, हम उसको रेवलेशन समझते होंगे वो नहीं होगी, या जो अक्ल होगी इंसान की उसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं की होगी। तो जो रिलीजन है, रेवलेशन है, वो साइंस को गाइड करता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है और हम बोल रहे हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एथिस्ट पे, हम जैसे कि आपने भी फरमाया ये डायनेमिक है, किस पे जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो वी हैव अ प्लेथरा, अ वेल्थ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू गिव, हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, चाहे हम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, मॉरेलिटी की बात करें। तो अगर कोई एथिस्ट आपके पास आता है, मोस्ट ऑफ द एथिस्ट एज यू सेड आर एग्नोस्टिक्स, वो बोलते हैं एथिस्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर एग्नोस्टिक्स। अब वो आपके पास आते हैं एंड दे वांट यू टू गिव सम बेसिक मोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स, कौन से मोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आप उनके सामने रखना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, जैसे कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, या फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है, या इसी तरह से ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी के ज़रिए से हम आर्ग्यूमेंट देते हैं या बाकी, तो हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं करेंगे। जैसे कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, ये ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट है। जो अब डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट है ना, या फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट खास तौर पर, उसके बारे में एक बुक आई है कि उसको बोलते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट्स, वो एक अच्छी बुक है। मसला क्या है, डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है? कुछ कहते हैं कि डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो कुछ थीस्ट है जिनका साइंस के साथ भी ताल्लुक है, वो कहते हैं कि अगर हम कोई, यानी अगर कायनात में कुछ डिज़ाइन भी नहीं होता तो फिर भी क्रिएटर साबित होता है, डिज़ाइन ना होने के बावजूद भी क्रिएटर साबित होता है, तो डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन हो और फिर ही डिज़ाइनर होगा, अगर डिज़ाइन ना भी हो उसको भी क्रिएटर की ज़रूरत है। तो जैसे हमारे पास है कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, तो ये हम पेश कर सकते हैं। जैसे ये कैसे जाता है कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, हम कहते हैं कि चीज़ों की दो किस्में होती है, कंटिजेंट और नेसेसरी। ठीक है, जो कंटिजेंट है, कंटिजेंट किसको बोलते हैं हम? कंटिजेंट बोलते हैं हम जो, यानी जिसको हम डिनाई भी कर सकते हैं, यानी मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरा जैकेट है, मैंने पहना है इस कलर का जैकेट, कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, या हम सोच सकते हैं कि कल मैंने येलो कलर का जैकेट पहना था मिसाल के तौर पर, या मैं 10 दिन के बाद ऐसा जैकेट पहनूंगा, तो ये कंटिजेंट है। दूसरा होता है नेसेसरी, नेसेसरी मतलब वो नेसेसरी वैसा ही है। ठीक है, इसको हम अरबिक में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मुमकिनुल वजूद, उसको नेसेसरी को, हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं मुमकिनुल वजूद, उसको बोलते हैं वाजिबुल वजूद। नेसेसरी को बोलते हैं हम क्या? वाजिबुल वजूद। तो कंटिजेंट को बोलते हैं हम मुमकिनुल वजूद। तो अब हमारे पास यूनिवर्स है, अब चाहे बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम क्या बोलते हैं, या साइंस क्या बोलता है, उसके कितने मॉडल्स है, बाकी जैसे हम समझते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, उसके भी मुख्तलिफ मॉडल्स है कैसे फिट होगा इस यूनिवर्स पे। तो बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चला कि यूनिवर्स जो है वो कंटिजेंट है, ये नेसेसरी नहीं है, मतलब है कि यूनिवर्स हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता। अब है हमारे पास यूनिवर्स, तो जो कंटिजेंट होता है उसको अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कैसे वजूद में आ गया, अगर नहीं था तो नहीं भी हो सकता था और हो भी सकता था, अब है तो क्यों है, इसका रीज़न चाहिए। अब देखिए, अगर हम कोई कहेगा अब हाँ
मुख्तलिफ इसकी शक्लें हो सकती, कोई कहेगा कि इट केम फ्रॉम नथिंग जैसे है, इट केम फ्रॉम जैसे हम अभी बात कर रहे थे पीछे, इट केम, हाँ बिल्कुल, तो कोई क्रिएटर नहीं है। लेकिन उससे सवाल होगा, जो ये कहेगा कोई क्रिएटर नहीं, उससे सवाल होगा कि तुमने कौन सी ऐसी चीज़ देखी दुनिया में जो ऐसे ही वजूद में आई थी, जिसकी बुनियाद पर तुमने एनालॉजी की कि यानी यूनिवर्स भी ऐसा ही, तो नहीं है ऐसा, नथिंग ये बिल्कुल यानी बातिल है। अब दूसरा कहेगा कोई कि यानी इसको कायनात को किसी ऐसी चीज़ ने बनाया जो खुद पैदा हुआ था, यानी जो खुद कंटिंजेंट था, तो इससे क्या मसला होगा, फिर हमें उस कंटिंजेंट की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो क्या होगा फिर, यानी रिग्रेशन, इनफाइनाइट रिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये तभी मसला हल हो सकता है जब हम रुकेंगे कहाँ पर, नेसेसरी बींग पर, नेसेसरी एग्जिस्टेंस पर, जिसको खुद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना हो। तो वही है, ये कंटिजेंसी आर्गूमेंट से हमें बिल्कुल क्रिएटर साबित होता है, ठीक है। तो इसमें एक मसला यहाँ पर है, जो एक कंटिजेंसी आर्गूमेंट है ना, इसको कोई कुछ लोग जो थे ने इसको सिफात, जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हैं ना, उनको इनकार करने के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि हम ऐसे उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये मसला है, इसको बोलते हैं हम कंटिजेंसी आर्गूमेंट। इसका जिक्र देखिए आप, इसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह तूर में, अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये क्रिएटर के बगैर ही पैदा हुए, तो ये पहला था ना, एक क्रिएटर के बगैर तो नहीं हो सकता। अम हुमुल खालिकून, या इन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया, तो वो भी हमने देखा। तीसरा, अम खलकुस समावात वल अर्द, या इन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी क्रिएटेड ने दूसरे क्रिएटेड को पैदा किया। तो फिर रब फरमाते हैं बल्ला यकीनून, सही बात है कि इनको यकीन नहीं है, सही। तो चौथा आर्गूमेंट रब ने नहीं पेश किया, वही है ना कि इसको उसने पैदा किया जो खुद अनक्रिएटेड है, तो ये कंटिजेंसी आर्गूमेंट है। इसी तरह से जैसे पता है हमें फ़ाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट, जो हमारी अर्थ है या कैसे इसको फाइनली ट्यून किया गया है कि ताकि हम इसमें यानी हमारी एग्जिस्टेंस वजूद में आए, और वेरिएबल्स, हाँ बिल्कुल, वो अगर छोटा सा भी कोई, यानी वो ऐसे आर्गूमेंट्स है, इस पर एक एक सेशन होना चाहिए एक एक आर्गूमेंट पर, तो हम इसमें इशारा करते हैं जी। बहुत सारे आर्गूमेंट्स हमारे पास देने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास उतना नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले भी हमने बात की कि जो एथिज्म है ये रैशनल स्टांस नहीं है, ना ही इंटेलेक्चुअल है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल केस भी है और कोई इमोशनल केस भी हो सकते हैं, या फिर जिसको मैं कहूँगा नफ्स परस्त, जैसे पहले भी कहा ऐसे भी लोग हैं, तो ये भी वजह होती है। तो इस सिलसिले में क्या खाली अकली दलाइल से ही काम चलाना है हमें, क्या उलमा की रहबरी या उलमा की सोहबत या साथ ही साथ कुछ ऐसी रूहानियत वाली चीज़ें, हाँ, जो आप बोलना चाहेंगे, या तरबियती चीज़ें, क्योंकि प्रीमैच्योरली कोई फॉर एग्जांपल एक्सपोज होता है किसी आइडिया की तरफ, उसको सोचे समझे बगैर वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे भी सूरत हाल होती है, या किसी को रूहानी मतलब प्रॉब्लम होती है, उसको अगर हम कितने भी आर्गूमेंट दें तो वो मानने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ किसी के और कोई इश्यूज, उसको लाइफ की सफरिंग समझ नहीं आती, तो इस सिलसिले में आप क्या हम एक ही लाठी से हाँक सकते हैं, मतलब नहीं नहीं, यानी इसमें हमारे पास जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अला अल-फितरा, कोई मौलूद नहीं, कोई जो पैदा होने वाला है वो फितरा पर पैदा हुआ है, फिर उसके माँ बाप जो है, उसकी माँ बाप ही नहीं बल्कि उसकी सोसाइटी फिर उसको बनाती है, दूसरे किसी चीज़ में वो तब्दील होता है, तो ये फितरत में ही है। जिसको जो एक थे फ्रेंच थियोलॉजियन जॉन कैल्विन था उनका नाम, उनने इसको कहा है सेंसस डिवेंटेटिस, यानी मतलब फितरा, पहले ही यानी क्रिएटर का एक कॉन्सेप्ट इंसान की फितरत में ही है, तो ये है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या हम देखते हैं जैसे हम कितने यानी कोई इंसान दुआ करता है, देखा होगा हर मैंने जो खुद वो एक्सपीरियंस करता है कैसे दुआएं कबूल होती है लोगों की, वो भी देखता है। और मसला है कि जैसे शेख अल्बानी है, मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह, तो एक हदीस आई है ना कि आप में से किसी के पास शैतान आएगा, वो कहेगा इसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, फिर वो पहुँचेगा कहाँ पर, अल्लाह को किसने पैदा किया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा होगा तो आप यहाँ से कहना हुव अल-अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्ली शैइन अलीम, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है और बातिन भी है, वो हर किसी चीज़ के बारे में इल्म रखता है। तो ये एक है। और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कहना अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी जो गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं। और कहा आप कहना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब शेख अल्बानी फरमाते इसके बारे में जो यकीन के साथ ये यानी मेडिसिन इस्तेमाल करेगा उसको ज़रूर फ़ायदा, उसके डाउट्स दूर हो जाएंगे।
तो ये सबसे ये हाँ बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। या इसी तरह से जो सुबह शाम के अज़कार है उनकी हिफाजत करना, कुरान की तिलावत करना, या अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना जो उलामा होंगे, तो उससे भी सोहबत का असर भी एक इंसान पर पड़ता है। तो स्पिरिचुअली भी तो उससे वो शैतानी ख्यालात उससे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा भी करना है, खाली इंटेलेक्चुअली हर कोई मसला हल नहीं हो सकता, जिमनास्टिक्स नहीं चलाना है, खाली हमें रूहानियत पे भी ध्यान देना, रब के सामने झुकना है, अल्लाह ताला उसे दुआ करनी है कि मेरे लिए ये मसाइल खोल दीजिए। जैसे शेख उस्मान बिन तैमिया फरमाते हैं कि जब मुझे किसी आयत की तफसीर समझ में नहीं आती थी तो मैं कभी कभी हंड्रेड सब तफसीर खोलता था, फिर जब फिर भी समझ में नहीं आती तो फिर मैं रब के सामने सजदा रेज़ होता था और कहता था या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी, इब्राहिम के सिखाने वाले मुझे भी सिखा। तो ये ज़रूरी है एक इंसान के लिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, चाहे हम बात करें फ्राम द बिगिनिंग ऑफ द क्राइम ऑन द अर्थ, एबल एंड कैन का जो वाक़ा कुरान में भी है कि मतलब जैसे पहले क्राइम, पहला कत्ल दुनिया में हो गया, उसके साथ साथ जब हम मॉडर्न दुनिया में, रिसेंट वर्ल्ड में आते हैं तो हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, वर्ल्ड वार की, और साथ ही साथ टू वर्ल्ड वार, उसी के साथ साथ डिजीज़, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और इसी किस्म के मुख्तलिफ सफरिंग्स या ऑपरेशन ऑन द लैंड। तो इन प्रिसाइजली अगर मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम ऑफ इवल में समअप होता है हमारे, तो क्या वजह है कि इतना सारा इवल, अगर एक एथिस्टिक स्टांस से हम देखेंगे कि वट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इवल ऑन अर्थ, क्या हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसे? बिकॉज मैनी एथिस्टर्स आर एथिस्ट बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ इवल, वो दे आर आर्ग्यूमेंट इज़ कि अगर अल्लाह ताला रहीम है तो इतनी सफरिंग्स, इतना जुल्म, इतनी मतलब जो कैटास्ट्रॉफीज दुनिया में है तो वो क्यों है? मसला है जो ये असल प्रॉब्लम ऑफ एवल का मसला है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, मुसलमान के लिए बड़ा मसला नहीं है, असल में क्रिश्चियंस का है। तो ये भी एक बात है ना, जो हमारे उलमा हैं या जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को मुसलमान जो है ना, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं एथिज़म के ख़िलाफ़, वो इसको ड्रैग ना करें अपनी तरफ, क्योंकि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो बोलते हैं ना गॉड इज़ एब्सोल्युटली गुड, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एवल क्यों है? फिर वो बोलते हैं गॉड हैज़ हिज़ ओन वेज, गॉड इज़ लव, ठीक है, वो कहते हैं गॉड इज़ लव, हमारा वो मसला नहीं है। हम अल्लाह ताला के और भी एट्रीब्यूट्स मानते हैं, अल्लाह ताला का एक एट्रीब्यूट है अल हकीम, हिकमत, यानी रब जो भी एक्शंस करता है उनके पीछे हिकमत है। लेकिन इंसान का जहन जो है वो महदूद है, वो इस पर गौर फिक्र करेगा तो उसके जहन में नहीं आएगा ये क्यों हुआ, लेकिन आगे जाके उसको समझ में आता है फिर इसके पीछे क्या हिकमत थी। जैसे एक स्टोरी आई है इसके बारे में इन्हें समझने के लिए, आपने भी सुनी होगी। तो वो मसला है कि एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था, वो वज़ीर हमेशा बोलता था उसको कि हर कोई चीज़ अच्छे के लिए ही होती है। अब वो बादशाह जो था वो शिकार के लिए निकला, शिकार के लिए निकला तो उसका जो ये था थंब, अंगूठा, वो कट गया। अब वो आ गया वापस वज़ीर के पास, उसने कहा मेरा अंगूठा कट गया। वज़ीर ने कहा ये भी अच्छा ही है, इसमें भी अच्छा ही होगा। तो उसने कहा सिपाहियों से कि इसको गिरफ्तार कर दो, मेरा अंगूठा कट गया, क्या था ये अच्छा हुआ है। तो अब बादशाह दूसरी बार शिकार के लिए निकला, वहाँ पर कुछ लोग थे वहाँ जंगल में, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि हमें इसकी बलि चढ़ानी है। जब बलि चढ़ानी थी तो उसको बांधा ना रस्सियों से, उनने देखा कि इसका थंब तो कटा हुआ है, उनने कहा ये नहीं लगेगा, ठीक है छोड़ो इसको, इसमें नुक्स है। तो वो वापस आ गया, वो अपने वज़ीर के पास गया, वो जेल में था, उसने कहा यानी तुम्हारी बात तो सही थी कि हर कोई चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, क्योंकि लेकिन हमारा जहन महदूद होता है। तो उस बादशाह ने कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? उसने कहा अगर मैं जेल में नहीं होता, मैं भी आपके साथ होता तो वो मुझे मार डालते, क्योंकि मुझे में कोई नुक्स नहीं था। यानी बोलने की बात यह है कि इंसान, हमारा जहन जो है वो महदूद है, हम नहीं समझ सकते कि रब की क्या क्या हिकमतें हैं इसके पीछे। बोल सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम ऑफ इवल है, नंबर वन इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर इस्लामिक वर्ल्ड, बिल्कुल, क्योंकि जो ये बेस होती है इनकरेक्ट कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, बिल्कुल कि खुदा का कॉन्सेप्शन उन लोगों को सही नहीं है। तो इसका जो है मतलब कि ये सिफात जो अल्लाह की है वो अल्लाह की सिफात को लिमिट करते हैं, ही इज़ ओनली मर्सीफुल हकीम, बाकी जो 99 नेम जो हदीस में गिनवाए गए हैं उससे भी ज़्यादा। तो इस सिलसिले में मतलब एक और सवाल यहाँ पर होता है कि मतलब आपने बोला कि हिकमत है, अब हिकमत फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनोसेंट चाइल्ड है, ही गेट्स किल्ड बाय सम ड्रोन और समथिंग एल्स, तो वहाँ पे आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए? बस यही अल हकीम, अल्लाह ताला, मैंने इंसान कैसे समझेगा हर किसी चीज़। और हम अगर हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ एवल है ना, ये भी अल्लाह ताला के होने के लिए दलील बन सकती है, क्योंकि इंसान को कैसे पता चलता है एवल है? जब उसको पता है कि गुड है, कोई चीज़ गुड है, ये उसके खिलाफ एवल है। तो जो वो मॉरल आर्ग्यूमेंट होता है हमारा,
तो जो मॉरालिटी है वो अल्लाह ताला की क्रिएटर की तरफ से ही है, वो खाली मटेरियल से नहीं आ सकती। तो हम कोई इसमें यही अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट समझने हैं। तो और एक चीज़ ये है कि एक होता है ना बिगर पिक्चर और फिर होते हैं कुछ माइन्यूट डिटेल्स। अगर मुझे बिगर पिक्चर समझ आ गई कि हाँ क्रिएटर है, अब मुझे कुछ माइन्यूट डिटेल्स यानी क्लियर नहीं हो रहे, वो उन माइन्यूट डिटेल्स की बुनियाद पर मैं बिगर पिक्चर का इनकार नहीं कर सकता, वो मेरी ही जहन में कुछ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, जो डिवाइन जस्टिस है ये कॉम्प्रहेंसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो इसमें क्या स्कीम है वो अल्लाह जानते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड ब्रेन एंड दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमारा एक और सवाल ये है कि जो फिलासफी ऑफ साइंस के बारे में, जो मतलब क्या समझते हैं आप, कितना ज़्यादा रोल है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की जो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ एथिस्ट्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, तो कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं कि करेक्ट फिलासफी ऑफ साइंस हमारे साइंस स्टूडेंट्स जो है उनको इम्पार्ट की जाए, और उससे जो उनमें जो एक जिसे हम बोलते हैं एथिस्टिक माइंड सेट वो ना बन जाए। हाँ बिल्कुल, ये भी अहम है कि फिलासफी ऑफ साइंस हम समझें कि साइंस कैसे काम करता है। जैसे हमने समझा है कि हाँ ये प्रूव हो गया शायद, तो यही बस हकीकत है, अब इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। हम जब फिलासफी ऑफ साइंस पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कितनी थ्योरीज थी जो रिजेक्ट हो गई। बिल्कुल, तो जैसे हमने पीछे भी बात की थी एम्पिरिसिज्म के बारे में, बस इसी पे होता है साइंस में। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि साइंस कैसे काम करता है, या जो हमने साइंस की बुनियाद पर ही चीज़ों को हम अब एस्टिमेट करते हैं, गॉड को भी या बाकी जो भी है, उसके लिए बहुत अहम है इसका यानी रोल। लेकिन एक मसला ये है कि समझाएगा कौन? एक इंसान अगर खुद जाएगा ना पहले ही, उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, अपना अकीदा भी सही नहीं है, तो फिर वो पढ़ेगा फिलासफी ऑफ साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, तो वो मुमकिन है कि वो समझ नहीं पाएगा और उधर ही जाएगा, फिर डिवीट हो जाएगा। तो इसके लिए उलमा की रहनमाई की ज़रूरत है, अपने अकीदे को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन अहम है, ये बहुत ही अहम है कि फिलासफी ऑफ साइंस पढ़ाई जाए, यानी समझाया जाए लोगों को कि साइंस क्या है असल में। जैसे हम इसको बिल्कुल ठोस हकीकत समझते हैं वैसा नहीं है। साइंटिफिक मेथड है हमारे पास, ये बेस्ड ऑन इंडक्शन, तो इंडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस है, जैसे कि ब्लैक स्वान प्रॉब्लम जो है, लिमिटेशंस, लिमिटेड टू ऑब्जर्वेशंस है, इसका अपना रोल है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी है। इंडक्शन का आर्ग्यूमेंट यह है कि पास्ट इज़ लाइक फ्यूचर, फ्यूचर इज़ लाइक पास्ट, मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट वहाँ पे देते हैं। अगर इंडक्शन के खिलाफ एक भी आर्ग्यूमेंट जाएगा, एक भी ऑब्जर्वेशन आपके खिलाफ हो जाएगी, उसकी तो खत्म। जैसे कि हमारे पास न्यूटोनियन मॉडल और क्वांटम मॉडल की एग्जांपल मौजूद है, और बहुत सारी फिलोजिस्टन थ्योरी जो है, या बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हमारे पास है। डॉक्टर साहब, फाइनली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने नौजवानों को जो कि इस तरह की आइडियोलॉजीज की तरफ मरगूब होते हैं, और जो कि जिनकी इंक्लिनेशन बढ़ जाती है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे क्या पैगाम है आपका? पहली चीज़ ये है कि जो इस्लामिक स्टडीज़ है उस पर पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए, उसको अच्छे तरीके से सीखा जाए, मजबूती से उलमा के पास सीखा जाए। दूसरा है कि उलमा की सोहबत में रहा जाए, नेक लोगों की सोहबत में रहा जाए। और तीसरा है कि साइंस की हकीकत को समझे, और जो खाली एक ही साइड को ना पढ़े, एथीस्ट से मरूब होकर ऐसा ना करे, बल्कि जिनने इनको रिफ्यूट किया है उनका भी देखे, और ख़ास तौर पर उलमा की रहनुमाई के तहत यानी उनके डायरेक्शंस के तहत वो चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके हल बताए हैं, जैसे हमने अभी कहा था जिक्र करें, सुबह की शाम की अजगार की हिफाजत करें, कुरान की तलावत करेगा एक इंसान, तो अल्लाह ताला इसके मसाइल सारे हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, माय नेम इज़ सईद फैसल। वी हैव लॉन्च्ड अ ग्रुप नेम्ड इस्लामिक अवेकनिंग एंड अवेयरनेस ग्रुप, एंड इन दैट वी हैव ट्विन पर्पसेस। वन इज़ टू जनरेट अ पूल ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क फॉर द रिसर्च पर्पसेस इन द वेरियस इश्यूज इन द मॉडर्न एज, फॉर एग्जाम्पल एथिज्म, feminism, other isms of the modern world. And its second purpose is to raise funds for various activities, for example for research projects, for spreading intellectual material, doing dawah, and many other further opening purposes inshallah. In this regard, if any of you is interested
in such type of pursuits. We would love to be with him and we welcome him in this group. The purpose of group is only to speak on the intellectual matters. It has nothing whatsoever to do with issues like sectarianism. Therefore, it is essentially universal. And it's not now a new group here, because there is already a fatigue developed in the society because of the various groups. Its purpose is to unify good elements all across the valley. We have students from various institutes across the valley in different streams working on different research projects. And if you are interested and if you are willing to cooperate in such matters, please cooperate with us. Reach us at Facebook, Instagram, and also at the various other social media platforms. With this message, I leave you with the note that we hope that you cooperate with us. Thank you. Doctor sahab, aapne bola ulama ki rehnumai. Aapko lagta hai ki kuch ulama aur jo youth hai aaj ki unme bahut badi gap hai. Hai bilkul. Gap ko kaise hum fill kare? Kyunki wo ek challenge hamare samne rehta hai. क्योंकि बहुत सारे इंक्लिनेशन एथिस्ट्स की किताब बढ़ती है जब उलमा की सोहबत से बाहर है, उलमा से जुड़े नहीं है लोग, तो किस तरह से ये गैप जो है इसको हम ब्रिज करें? इसमें यानी उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि यानी जो यूथ के आज इश्यूज हैं, हमें यानी जो हमारे उलमा हैं उनको इन पर भी ध्यान देना है। जैसे हम कुछ हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी, हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे, इस पर मुनाजरा हो जाएगा कि हाथ कहाँ बांध रहे हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि हाथ ऊपर बांध रहे हैं या नीचे बांधने हैं, ठीक है, लेकिन जिसको हम ये बोलते हैं ना कि हाथ कहाँ बांधो, उसने इस्लाम से ही हाथ धोए होते हैं, मतलब वो इस्लाम से चला गया हो तो उसको क्या मसला है कि हाथ कहाँ रखने हैं आप, उसने तो इस्लाम ही छोड़ दिया है। तो यानी हर किसी चीज़ को अपनी अहमियत देनी जितना उसकी इस्लाम में अहमियत है, क्योंकि इस्लाम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन है। कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कुछ चीज़ें वो भी है इस्लाम का हिस्सा लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो जो हमारे उलमा हैं उनको इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे यूथ है जो कि कुछ साइंस पढ़ते हैं उनको अपनी एरोगेंस भी थोड़ी कम करनी है, उलमा के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए, क्योंकि उनको इस्लाम का पता नहीं, उलमा को पता है। अगर हम माने कि उनको मॉडर्न नॉलेज है लेकिन इस्लामिक नॉलेज उनको नहीं है, और ये भी बात है कि अगर उनके पास जवाब नहीं है, किसी शख्स के पास जवाब नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के पास जवाब नहीं है, इस्लाम के पास रिप्लाई मौजूद है। और साथ ही साथ मतलब जो नौजवानों के डाउट्स होते हैं, जैसे कि हमने भी मतलब ऐसी चीज़ें देखी है, हम भी क्वेश्चंस उठाते थे, इनमें बात भी करते थे, सवाल यह है कि जो डाउट्स हैं उनको पूछा जाए, उनको आप अंदर नहीं रखा जाए। इसके बारे में देखिए, अरब के एक आपने भी सुना होगा मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वो दर्ज देते थे बुलूगुल मराम, उनकी शरह है उस पर फतहुल जलाल वल इकराम, उनके दर्स में बैठते थे बहुत सारे लोग, उनमें डॉक्टर्स भी होते थे। तो उनने एक बार मसला किया बयान कि जो यानी जो हाइज़ का खून होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसमें नॉर्मल ब्लड से उसकी यानी क्या फ़र्क है। तो उनने कुछ दी फिर यानी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फिर सुबह के यानी जो अगला दर्स था ना, उनने कहा कि मैंने ऐसा बताया था कल, एक डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा कहा कि ये मसला सही नहीं है, अब मैं उससे रुजू करता हूँ। तो इन कोलैबोरेशन हमें काम करना है, कोलैबोरेशन बिल्कुल वो ज़रूरी है, मतलब जो दानिश्वर और उलमा है उनके बीच में। हाँ बिल्कुल, और हमेशा मुकदम करना है कुरान और सुन्नत को, तो तभी हम यूनाइटेड रह सकते हैं। तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। अल्लाह ताला हमें और भी आगे ऐसे काम करने की तौफीक अता करे, है कि आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपका शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि जो हमने अभी डिस्कशन किया उससे आपको कुछ कंक्लूजन मिलेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो इस्लामिक केस है, एथिज़म का हो या कुछ और हो, कोई भी इशू हो, तो उसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि इल्म हासिल कीजिए, दूसरी बात ये कि उलमा से जुड़ते रहिए, और तीसरी बात ये कि जो प्रीमैच्योर आइडिया आपके सामने कोई पेश करता है उसको रेडीली एक्सेप्ट मत कीजिए, पहले उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, उस पर पढ़िए, उसके बाद उलमा से डिस्कस कीजिए, फिर कंक्लूड कीजिए। तो अपने ही आप में प्रीमैच्योर ली कोई आपने बुक पढ़ी, गॉड डिलूजन पढ़ ली या कोई और किताब उठा ली। और एक अहम बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे इश्यूज़ में इंटरेस्ट है
तो डिवाइन रियलिटी हमजा एंड्रिया ज़ोरसिस की बुक इस पर बहुत ही ज़्यादा कम्प्रहेंसिवली डील करती है, इन तमाम सारे डाउट्स जो एक एथिस्ट को होते, एथिस्ट का आर्ग्यूमेंट होता है इन द डोमेन्स ऑफ फिलासफी एंड साइंस, दोनों में उसके जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए हमजा एंड्रिया ज़ोरसिस की बुक द डिवाइन रियलिटी आप उसको पढ़िए। अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या किसी और कोई और स्टूडेंट है आपका, उसको प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं और वो जानना चाहता है कि वेदर द अबाउट एथिज्म एंड गॉड या कोई और साइंटिफिक इश्यूज़ उसके साथ हैं, तो उसको चाहिए कि वो इस किताब को पढ़े। इस पर इस्लामिक अवेकनिंग और अवेयरनेस ग्रुप ने एक ब्लॉग भी लिखा है जो कि इसकी बुक रिव्यू है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।